जब डॉक्टर भारी भरकम दवाएं लिखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि खाने के बाद लीजिए, जिससे दवा खाली पेट रिएक्ट ना करे, अपच ना पैदा करे, अल्सर ना कर दे। क्योंकि दवाएं हमें फायदे के साथ साथ कई बार नुकसान भी करती हैं, इसलिए हमेशा कोई भी दवा या टीका पहले टेस्ट किया जाता है कई दिन, फिर इस्तेमाल में उसे लाया जाता है। लेकिन अब कुछ दवाओं को लेकर एक नया नियम आ रहा है, कंपैशन यूज का नियम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। इस नियम का ढीला मतलब ये होगा कि अगर किसी को कोई जानलेवा बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे उसके शरीर का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो सकता है, तो उसका इलाज करने वाला अस्पताल ऐसी दवा भी इस्तेमाल कर सकता है जिसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, यानी जो दवा अभी टेस्टिंग के फेज में है और अप्रूव नहीं हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल संशोधित नियमों का एक ड्राफ्ट यानी खाका तैयार किया है। ये नियम सबसे पहले 2019 में बनाए गए थे, अब 2020 में संशोधन के साथ सामने आए हैं। इसमें दवा के इस्तेमाल के लिए कंपैशनेट यूज का इस्तेमाल किया गया है। लिटरल मीनिंग देखें तो दया भाव से दी गई दवा। सबसे पहले जरूरी जानकारी, एक्सपेरिमेंटल दवा क्या होती है। जो दवा अभी मार्केट में काउंटर से खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी दवाओं पर रिसर्च हो रही है, अभी उन्हें तमाम टेस्ट और तमाम परमिशन से गुजरना होगा, उसके बाद ही वो दवा लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन नए वाले नियम में एक्सपेरिमेंटल दवा के इस्तेमाल के लिए भारी भरकम छूट दी गई है। इसका एक ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। पिछले हफ्ते ही भारत सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए गिलियड फार्मा द्वारा बनाई जा रही रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। ये दवा कोरोना पर काम करेगी या नहीं, इस बारे में जो भी रिसर्च या दावा है वो इसको बनाने वाली कंपनी गिलियड नहीं किया है, असल मरीजों पर इस्तेमाल कर इसकी शक्ति चेक नहीं की गई है। तो सवाल अब ये भी है कि क्या धड़ल्ले से दी जा सकेगी कोई भी दवा? नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रायल वाली दवाओं के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम है। पहला, क्लिनिकल ट्रायल के कई चरण होते हैं, लेकिन कम से कम तीन होने जरूरी है। नए वाले नियमों के तहत उसी एक्सपेरिमेंटल दवा का इस्तेमाल या ऑर्डर किया जा सकता है जो अपने ट्रायल के तीसरे चरण में हो, उसके पहले हो तो मान्य नहीं होगा। इस सबके अलावा जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसे भी पेशेंट के लिए दवा बनाने के पहले पेशेंट या उसके घर वालों की अनुमति लेनी होगी, लेकिन अनुमति मिलने के बाद ही मामला हल नहीं होता है। उसके बाद अस्पताल या चिकित्सा संस्थान की एथिक्स कमेटी यानी नियम कानून का ख्याल रखने वाली कमेटी को सब कुछ बताना होगा। वहां से क्लियर होने के बाद ही दवा का उत्पादन और उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जा सकेगा। तीसरा, फिर दवा देने के पहले अस्पताल को मरीज या उसके किसी परिवार के सदस्य से परमिशन लेनी होगी, तमाम साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी और अनुमति मिलने पर ही दवा दी जा सकेगी। तो क्या ये परमिशन हमेशा के लिए वैलिड रहेगी? नहीं, सारी परमिशन के बाद दवा बनाने वाली कंपनी को एक लाइसेंस मिलेगा। इस लाइसेंस की मियाद 1 साल तक की होगी। किसी मरीज के लिए कुल मिलाकर औसतन 100 खुराक तक ही यह दवा बनाई जा सकेगी, लेकिन अपवाद के केस में लाइसेंस के नियम बदले जा सकते हैं। बस अस्पताल की एथिक्स कमेटी और केंद्रीय ड्रग रेगुलेटर से परमिशन लेनी होगी, फिर दवा का और भारी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू किया जा सकेगा। तो क्या नई दवा मार्केट से खरीद सकते हैं? नहीं, जिस मरीज और जिस अस्पताल के लिए उस दवा की परमिशन मिलेगी वो दवा सिर्फ उसी मरीज और अस्पताल के लिए भेजी जा सकेगी। किसी और अस्पताल को या कहीं खुले मार्केट में बेचे जाने के लिए दवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। कोरोना की आपदा हमारे मेडिकल सिस्टम की बड़ी परीक्षा है। लोगों की जान खतरे में है, जान की कीमत ध्यान में रखते हुए ये कोशिश होती है कि किसी तरह उसे बचा लिया जाए। कोरोना वायरस और COVID-19 से जुड़ी और जटिल चीजें समझने और खुद को अपडेटेड रखने के लिए देखते रहें दी लल्लन टॉक। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे सिद्धांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।